नेता फैजान खान ने नरोत्तम मिश्रा पर साधा निशाना। फैजान खान है, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ और किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और उत्तर विधानसभा का मुख्य दावेदार हूँ विधायक नीति का। जी गरीबों की लड़ाई लड़ते रहते हैं जी। आज देश के सभी हालात बुरे हैं, महंगाई अंतिम समय से चल रही है, पेट्रोल 105 रुपये लीटर हो गया, कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल अंदर खड़ी कर दी है जी, तो पैदल जाने लगे, कई लोग तो अपने गाँव चले गए जी, तो मजबूर थे, तो क्या कहना आप उसका चाहते हैं? देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवराज जी नहीं एक कंस मामा है, हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और मजदूर सुरक्षित नहीं है और आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, व्यापार को चौपट कर दिया है, इसके जिम्मेदार आप मीडिया वाले भी जानते हैं और सारी जनता जानती है जिसको वोट देती है भाजपा सरकार। मैं ये कहना चाहूँगा महंगाई पे कि शिवराज जी ने एक तरफ कन्या योजना निकाली, सारी मुहिम निकाली गरीबों के लिए और दूसरी तरफ गरीबों की कमर तोड़ दी। आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में ही हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल महंगा है। आखिर क्यों? उसमें आप वेट टैक्स भी लगा रहा हो, सेल टैक्स भी लगा रहा हो और उसके अलावा भी तेल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों का जीना दुभर हो गया। आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने में आप देरी करी, आज हमारे देश में लोग, हमारे हिंदुस्तान में जहाँ तरक्की पे हमें पहुँचना चाहिए, आज हमारा देश साइकिलों पे आ गया है। एक व्यापारी, मैं खुद व्यापारी हूँ, आज मेरे पास दो पहिया वाहन है लेकिन मैं साइकिल से आना जाना होता है मेरा, क्यों कि आज हमारे देश में 105 लीटर तक पेट्रोल पहुँचने वाला है, पहुँच चुका है। इसके जिम्मेदार कौन है? शिवराज और मोदी जी। अगर मोदी जी वाकई में देश का भला चाहते हैं तो वापस 60 से 65 रुपये लीटर पेट्रोल हमारे देश में लाएँ और तेल के दाम जो 15 लीटर फॉर्चून तेल जो आता है, जो एक अच्छे परिवार में अच्छे गरीब तबके के लोगों में बढ़ता है, वो तेल के दाम 3000 से लेकर 1700 के वापस लेकर आए। दूसरी चीज़, आज हमारे देश में जो पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए गए हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अनशन पे धरना दिया और उन पर आपने केस थोप दिए गए, ये कहाँ की वो है? डिस्टेंस का पालन आपकी सरकार के लोग नहीं कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों, आज मैं मास्क लगा के रख रहा हूँ, क्यों लगा के रख रहा हूँ? किससे कोरोना ना हो। और आप ही के मंत्री लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? डिस्टेंस का कौन पालन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी या भाजपा सरकार या आम जनता, ये आप जानते हैं। मैं शिवराज जी को चेतावनी देता हूँ, अगर एक सप्ताह में या दस दिन के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करे गए तो मैं उत्तर विधानसभा में 500 कार्यकर्ताओं के साथ सेम हाउस घेराव करूंगा, पुतले दहन करूंगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। उसमें अगर डिस्टेंस की भी तोड़ होती है तो हम उसका डिस्टेंस भी तोड़ेंगे। सर इससे कोरोना महामारी चल रही है, लोग बेरोजगार हैं, ऊपर से महंगाई की मार, क्या ऐसे सरकार को राहत के किसके जरिए लेके आई? आपके सामने है, ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, दोषी सरकार है, ना जाने हथियारों की सत्य सरकार है, जिस सरकार ने लाशों पे राजनीति करी, जिस सरकार ने देश को बेचकर ताजमहल के दाव लगाकर सिंधिया के खेमे के विधायकों का करोड़ों रुपए बेचकर उसने अपना बैंक बैलेंस करा, तो वो क्या सरकार का गरीबों की हित में फैसला करेगी? ये आप मुझसे, मैं सवाल पूछता हूँ, कभी नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि यहाँ की सरकार भ्रष्ट सरकार है, सिर्फ विधायक गरीबों के तबके के जेब का पैसा बर्बाद करने के लिए सरकार है। मैं चेतावनी देता हूँ शिवराज जी, अगर आप वाकई में एक नायक के रूप में, अगर आप सीएम मुख्यमंत्री के आप दावेदार हो और आप मुख्यमंत्री हो, तो नायक बनके जनता की सेवा करें और गरीबों के हित में आप फैसला करें। और जिस तरीके से गेहूं आप गरीबों को राशन बांट रहा हो, ऐसी तेल के दाम आप बांटें और पेट्रोल बांटें, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सरकार गरीबों के लिए अगर पेट्रोल फ्री में दान करती है तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। धन्यवाद सर। मंडी के मंत्रियों के पास लाखों करोड़ रुपए जा रहा है, सहायक मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मंत्री के जो हैं वैक्सीन इंजेक्शन जो कालाखोरी कर रहे थे, बिलखोरी कर रहे थे, उन पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं करी गई। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा न्याय? करोड़ मंडी पे गरीब तबका का गरीब परिवार वहाँ पर गुजारा करता है, उस पर ताला जड़ना
और आप ही के खारा पुत्री के मंत्री जी के पास करोड़ों रुपए फंड पहुंचना, ये साफ है कि जनता का हित का पैसा आपके मंत्री लगा रहे हैं और चुनाव में इसका उपयोग करेंगे। और एक बात वो मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिरी बार, जो लॉकडाउन लगेगा तीसरा, जो लहर आएगी वो आएगी उपचुनाव में, दिल्ली सॉरी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे ना उसमें ये तीसरी लहर लाएंगे। और वहाँ की जनता ने जैसे बंगाल उत्तर बंगाल में जिस तरीके से सरकार गिरी भाजपा की, ऐसी उत्तर प्रदेश में सरकार गिरेगी और हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी और योगी पे हम उचित कार्रवाई की मांग करेंगे।